सो है गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने वीडियो के लिए परफेक्ट टाइटल लिखना। एक ऐसा टाइटल लिखना जिसे पढ़ने के बाद व्यूअर उस पर क्लिक किए बिना रह ही ना पाए, साथ ही साथ जो यूट्यूब सर्च फ्रेंडली भी हो। सीधे शब्दों में कहें तो एक किलर टाइटल लिखना। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, आइए जानते हैं कि अच्छा टाइटल अपने वीडियो के लिए कैसे बनाएं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अपना थंबनेल अट्रैक्टिव बनाइए, क्लिक बेट बनाइए, तभी व्यूज ज़्यादा आएंगे। वेल, ये पूरा सच नहीं है। आजकल व्यूअर स्मार्ट हो गए हैं, वे किसी भी वीडियो पे थंबनेल अच्छा है, अगर उसका क्लिक बेट है तो उस वीडियो पे रुकते जरूर हैं, लेकिन क्लिक करने से पहले वो उस वीडियो का टाइटल जरूर पढ़ते हैं। ऐसे में थंबनेल के साथ साथ आपके टाइटल का भी जानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि अपने टाइटल को कितनी लेंथ पे रखना चाहिए, उसको कितने पार्ट्स में लिखना चाहिए, बस HD थंबनेल कैसे बनाना है सिर्फ 5 मिनट में। इसका वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है मेरे चैनल पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो गाइस, टाइटल बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, लेंथ। तो दोस्तों, टाइटल की लेंथ 100 कैरेक्टर्स तक हो सकती है, बट हमें कभी भी 100 कैरेक्टर्स पूरे लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब हम टाइटल फुल लेंथ पे लिखते हैं और इसके बाद हमारा वो वीडियो व्यूअर के ब्राउज फीचर में जाता है तो हमारा टाइटल पूरा वहाँ विजिबल नहीं होता, वो लास्ट का कट हो जाता है टाइटल। तो मतलब ये कि इतना सी बैड इंप्रेशन जाता है। सपोज कोई व्यूअर आके पढ़ने गया, आपका टाइटल पढ़ रहा है, और सपोज आपका ऐसा जगह से वो टाइटल कट हुआ कि जो जितना दिख रहा है टाइटल उससे सेंस निकल ही नहीं रहा, तो ऐसे में व्यूअर थोड़ा इरिटेट सा होता है और आपके वीडियो को छोड़कर चला जाता है। इसलिए टाइटल की लेंथ हमेशा 60 से 65 कैरेक्टर्स के बीच होनी चाहिए, क्योंकि इसी लेंथ का टाइटल पूरा विजिबल होता है बिना किसी कट के जब किसी व्यूअर के वो ब्राउज फीचर पर जाता है। अब जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, अपने टाइटल को लिखते वक्त जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है डिवीज़न, टाइटल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें। तो दोस्तों, टाइटल के मेनली 3 पार्ट होने चाहिए। आपका एक मेन पार्ट हो गया जहाँ पर आप अपना मेन कीवर्ड लिखिए, जिसको आप यूट्यूब सर्च में जिसके थ्रू रैंक कराना चाहते हैं वो मेन कीवर्ड। दूसरा क्लिक बेट पार्ट होता है जहाँ पर आपको क्लिक बेट का वर्ड लिखना चाहिए, जिसका मेन फोकस आपके वीडियो पे व्यूज लाना होगा। और तीसरा पार्ट टाइटल का होता है जहाँ पर सपोर्टिंग वर्ड्स लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये मेरा टाइटल है, इस पर ये मेरा मेन कीवर्ड है। अब कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप देख सकते हैं। और ये जो दूसरा वर्ड है ये मेरा क्लिकबेट वर्ड है, इसका काम है कि वीडियो पे शुरू में व्यूज लेके आए, इसलिए हमेशा मतलब कि जो क्लिकबेट वर्ड है आपका उसे ठीक से टाइम दे करके अच्छे से सोचें और फिर लिखें। और जो सपोर्टिंग कीवर्ड होते हैं, जो सपोर्टिंग वर्ड होते हैं टाइटल पे, उन्हें हमेशा लास्ट पे लिखना चाहिए। और सपोर्टिंग वर्ड्स में पहला एक वर्ड तो आपका चैनल नेम ही होगा, इसके अलावा और भी आप कॉमन से कीवर्ड लिख सकते हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह के वर्ड्स आप एज सपोर्टिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया एक अच्छा टाइटल फ्रेम करना। अब अपने टाइटल के लिए जो मेन कीवर्ड है वो एक अच्छा मेन कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं इस बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ करके, मैंने अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे यूट्यूब को ओपन कर लीजिए। इसके बाद जो ये सर्च बार है, यहाँ पर आप अपना जो टाइटल लिखना चाहते हैं उसका जो आपने कीवर्ड सोचा है उसे टाइप करिए। तो उसे जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको कई सारे सजेशंस आ जाते हैं, तो जो पहला सजेशन है उसे पिक कर लीजिए, क्योंकि आपके इस टॉपिक पे मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड यही है, तो इसे पिक करिए और इसे ही टाइटल पर प्लेस करिए, जिससे आपका टाइटल बेहतर यूट्यूब सर्च में इंडेक्स होगा और ज़्यादा व्यूज आएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अपने टाइटल को अच्छी तरह से फ्रेम करते हैं, उसके लिए अच्छा कीवर्ड फाइंड करते हैं और जिससे कि ज़्यादा व्यूज आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो, तब तक के लिए इन्जॉय करिए। बाय।